Friends, i would like to welcome all of you in my youtube channel go through fine art friends press the subscribe button and the bell icon right next to it press the thumbs up because that help us to know what we need to prepare for you in future put a comment in the comment section right below this video hashtag go through fine art keep watching right till the end let's begin and you know that practice makes perfect so in this question series which one is your favorite part quickly tell me right now or mention in the comment box with using hashtag go through fine art friends today i come with this some objective questions which basically you wanted so here is the first questions आर के लक्ष्मण किससे संबंधित है तो आर के लक्ष्मण व्यंग्य चित्रकारिता से संबंधित है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है तो इसमें बहुत सारे और भी जोड़े होंगे जिसमें से कि कथकली जो की है कर्नाटक का नहीं है तो कथकली कहाँ का है ये आप लोग हमें कमेंट करके बताएं और कर्नाटक का लोक नृत्य क्या है ये बताएं तो दो क्वेश्चन आप लोगों को मैं दी हूँ एक तो कथकली कहाँ का नृत्य है ये बताना है और कर्नाटक में कौन सा नृत्य होता है ये बताना है तो दो क्वेश्चन दी हूँ जल जल्दी से इसे आप लोग आंसर कॉमेंट में करें तीसरा है बिस्मिल्ला खां संबंधित है तो ये संगीत से संबंधित है और ये जो संगीत से मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ ये सब क्वेश्चंस हमेशा एन टी ए नेट में फर्स्ट पेपर में कभी कभी देखा जाता है डीएसएसबी के पेपर में देखा जाता है केवीएस एनवीएस टीजीटी पीजीटी ड्राइंग टीचर में देखे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर चार नंबर भारत के झंडे में श्वेत रंग किस बात का प्रतीक है तो भारत के झंडे में श्वेत रंग सत्य और शांति का प्रतीक है दैट मीन्स कि वाइट जो है ट्रूथ और पीस के लिए साइन है याद रखिएगा ये क्वेश्चंस झंडे से लेके के वी एस में हमेशा दो से तीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या तो ये पूछे जाएंगे कि झंडे के बीच में जो राउंड कलर का चक्र है उसमें कितने चक्र होते हैं या फिर वो चक्र किस चीज़ का प्रतीक है या फिर उस चक्र में जो चौबीस तिलियाँ हैं वो कौन से कलर के हैं या फिर झंडे के जो तीन कलर हैं उसमें से नारंगी कलर का क्या महत्व है ग्रीन का क्या मतलब है या फिर वाइट का क्या मीनिंग है तो झंडे से क्वेश्चन ज़रूर याद करके जाएं अगर आप के वी एस बी एस दे रहे हैं तो पाँचवा क्वेश्चन से हुमायूं के काल के दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन से हैं तो तबरीजी और सिराजी ये जो है हुमायूं के टाइम के फेमस चित्रकार थे पीसा की झुकटी मीनार यानी कि लिनिंग टावर ऑफ पीसा किस देश में स्थित है तो ये इटली में है सभी को मालूम होगा कि पीसा की झुकनी झुकती मीनार जिसे हम इंग्लिश में लिनिंग टावर ऑफ पीसा कहते हैं यह इटली में है नेक्स्ट क्वेश्चन सर सेवन नंबर अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी अकबर के समय जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट इमारत बनी थी यानी कि आर्किटेक्चर था उसका नाम है हुमायूं का मकबरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ सबको ज़रूर याद करके जाए इसमें से दो क्वेश्चन आप लोग को ज़रूर आएगा किसी भी एग्जाम में नेक्स्ट है झुमरा किस राज्य का नृत्य है तो झुमरा असम का नृत्य है और आप लोग को मालूम होगा कि नृत्य से हमेशा एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं फोक आर्ट से हमेशा एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी कि फोक डांस हो गया तो उससे या फिर फोक आर्ट से जैसे वरली कहाँ का है मधुबनी कहाँ का है पिथौरा कहाँ का है इस तरह के चीज़ें पूछे जाते हैं इस पर मैं एक वीडियो बना दूँगी बट अगर आप कॉमेंट आएंगे तो नेक्स्ट है नाइन नंबर दिल्ली की किला एक कोहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया तो ये शेरशाह सूरी ने कराए थे दिल्ली की किला एहना मस्जिद का निर्माण और फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसने अभी तक नहीं किए हैं वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी शेयर कर सकते हैं जैसे व्हाट्सअप हो गया या फिर आपके फेसबुक अकाउंट है इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं ताकि अदर भी इनका लाभ उठा पाएँ नेक्स्ट क्वेश्चन से दस नंबर मोहिनी अट्टम और कृष्णा अट्टम किस राज्य के प्रसिद्ध नृत्य हैं तो केरल के याद रखिएगा मोहिनी अट्टम और कृष्णा अट्टम दोनों ही केरल राज्य के नृत्य हैं हुमायूं नामा किसकी कृति है तो हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की कृति है तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग को कैसे लगे प्लीज़ गो थ्रू फाइन आर्ट को कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें मिलते हैं फिर से हम एक नए वीडियो के साथ आज के लिए बाय बाय टेक केयर सी यू सुन एंड हैव ए नाइस डे आप लोग मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही साथ हेलो ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं दोनों जगह मैं अवेलेबल हूँ बाय बाय